श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 38। धूमेना व्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोलभेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तात्पर्य, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावना मृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 39। आवृतम ज्ञानमेतेना ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। हरे कृष्णा। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।